अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू GSQ चैनल। होपफुली आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, हम जो है आज के नए टॉपिक के ऊपर आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हम उनके दो टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक के। एक हमारे पास नाउन था, प्रोनाउन था। आज हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब को डिस्कस करने के बाद फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, इन टॉपिक्स को जो हम कवर करेंगे। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, वर्ब होता क्या है? वर्ब में, नाउन में जो है वो मेन जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? नाउन जो होता है वो उसको हम बेसिकली उर्दू में जो है वो इसम कह रहे होते हैं, और जो वर्ब होता है उसको हम उर्दू में कह रहे होते हैं फेल। फेल का मतलब क्या होता है? जिसको किसी काम का करना, कोई बंदा जो काम कर रहा होता है तो उसका क्या होता है? फेल होता है। अब जो वर्ब है, वर्ब बेसिकली क्या होता है कि वर्ब एक इट इज़ अ एक्शन वर्ड। जो ये एक्शन वर्ड होता है जो किसी इंसान के एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि वो बंदा कर क्या रहा है, या कोई भी चीज़ जो है वो उस टाइम पे कर क्या रही है, तो उसको हम क्या कहते होते हैं? वर्ब। तो वर्ब को अगर हम सिंपल तौर पर डिफाइन करें, सो दीज आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब एनी सॉर्ट ऑफ एक्शंस जो कि हमारी रियल लाइफ में कहीं पर भी हो रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते होते हैं? वर्ब्स कहते होते हैं। अब वर्ब्स के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टाइप्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो एक अनदर डिस्कशन है। मतलब वो हमारे पास फॉर्म्स कैसे बनती हैं वो एक अलग चीज़ है। हेल्पिंग वर्ब्स के होते हैं वो अलग चीज़ है। हम आज एक सिंपल और एक बिल्कुल उसकी स्टार्ट और बेसिक पे रहेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास जो वर्ब्स हैं उसमें हम कह रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमने वर्ब को जज करना हो तो हम कैसे जज करेंगे, या वर्ब होता है क्या? वर्ब मैं आपको सिंपल बता दूंगी, तो उसकी सिंपल सी जजमेंट जो छोटे बच्चों के लिए होती है वो कहते हैं इसके एंड पे क्या लगा होता है? ING लगा होता है। मतलब ही इज प्लेइंग, ही इज ईटिंग, He is drinking, she is cooking, she is washing the clothes, और she is attending her guests, और इसी तरह मतलब मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो कि जिस तरह फार्मर्स हैं, तो फार्मर बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? वो गंदम की कटाई कर रहे होते हैं। अब गंदम की कटाई करने को इंग्लिश में कहते हैं हार्वेस्ट करना, HARVEST इनके स्पेलिंग होते हैं। तो अगर हम फार्मर जो है वो गंदम की कटाई कर रहे हैं, सो द फार्मर इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स या द वीट, ठीक है। तो इसके अंदर जो फार्मर है ये भी नाउन है, जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है, जो हार्वेस्टिंग है, अब हार्वेस्टिंग एक अमली काम है जो कि वो कटाई कर रहा है, तो जो कटाई कर रहा है जो कि एक एक्शन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। अब जो क्रॉप है वो भी एक चीज का नाम है, तो वो क्या हो गया? नाउन हो गया। तो किसी भी जो हमारे पास एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस हमारे पास तीन चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट के, वर्ब के और ऑब्जेक्ट के। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। अब मैंने इस तरह सेंटेंस बोला कि द फार्मर इज हार्वेस्टिंग द वीट, जो भी है। तो अब जो फार्मर ही हमारे पास यहाँ पे है, फार्मर हमारे पास यहाँ क्या है? एक सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, जो वीट है इसके ऊपर काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया जी ऑब्जेक्ट हो गया, और जो हार्वेस्टिंग है या कटिंग है ये हमारे पास क्या हो गया जी? आपके पास वर्ब हो गया। इसी तरह अगर मैं फर्दर चलूँ तो फर्दर अगर मैं बोलूँ जी कि आमना इज कुकिंग अ डिलीशियस डिश या कोई भी डिलीशियस मील, वट एवर इट इज, तो यहाँ पर जो कुकिंग है, कुकिंग यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है आपके पास किसी भी किस्म के एक्शन को। कुक का मतलब होता है पकाना, पकाना एक काम है। तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर आमना और जो डिशेज जो आपके पास क्या है, डिश है या मील है, ये दोनों नाउन है। डिलीशियस जो है ये क्या है? ये एक आपके पास एडजेक्टिव है, इसको हम फर्दर बताएंगे एडजेक्टिव्स होते हैं, इनका मकसद क्या होता है। और जो कुकिंग है यहाँ पे, कुकिंग हमारे पास एक काम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। तो इसी तरह जो फार्मर होते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लफिंग करना, प्लफिंग द फील्ड्स। तो द फार्मर, द फार्मर्स आर प्लफिंग द फील्ड। अब फार्मर यहाँ पे नाउन हो गया, ना आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लफिंग जो हो गया ये सिंपल वर्ब हो गया, और फील्ड भी हमारे पास यहाँ पे नाउन होगा जगह का नाम है। तो फार्मर को अगर हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की सूरत में देखें, तो फार्मर यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो प्लफिंग है ये वर्ब है, और जो फील्ड है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। मतलब कि जो बंदा काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, उसको उर्दू में फाइल कहते हैं, और जिसके ऊपर काम हो रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसको उर्दू में फूल कहते हैं, और जो काम हो रहा होता है उसे हम वर्ब कहते हैं, यानी उसको उर्दू में फेल कह रहे होते हैं। तो होपफुली आपको मेरी बातें किसी हद तक समझ आई होंगी। अगर किसी किस्म की मसला हो या किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कॉमेंट में टाइप करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मज़ीद बूस्ट मिले और हम अपने काम के साथ मज़ीद जो है उसको अच्छे तरीके से सर अंजाम सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।